सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैंने फिर रोलेंड एसपीजी 20 प्रो पैड पर एक कहरवा तबला ढोलक खुला गद्दा मिला के मैंने बहुत ही अच्छा पैच बना है। ये 8 खानों में साथ में बजा सकते हैं आप इसे, और ये पैच आप अपने पैड में ज़रूर बनाएं, बजाएं। और ये कथा जागरण कव्वाली बहुत से प्रोग्राम हैं जो अच्छा लगता है बजाने में। ये आपको पहले बजा के दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या क्या हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए, एडिटिंग आपको फुल बताऊंगा। और आप जिस भाई को किसी भी पैड के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, और किसी भी पैड के डाटा चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं पैड की और आपको बजा के दिखा देता हूँ, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बता दूंगा। ऐसे भी बजा सकते हैं और आप इसे इस गद्दे को मिला के भी बजा सकते हैं, आप इस कांगो को मिला के बजा सकते हैं। बजाने का तरीका, आप एक पैच आप चाहें तो इसे कम से कम 10 बार 10 प्रकार 5 प्रकार से बजा सकते हैं। बस बजाने का तरीका अपना अपना होता है। क्या कहते हैं बहुत से लोग कि एक पैच एक ही प्रकार से बजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ठीक हैं, अच्छे हैं, तो आप उसे आप बहुत से प्रकार से बजा सकते हैं। बस बजाने का तरीका अपना अपना अलग होता है। अब जैसे ये पैच जो पैच बना है आप इस पर देख रहे हैं कि ये कम से कम 3-4 प्रकार से तो मैं बजा रहा हूँ। आप इसे ऐसे भी बजा सकते हैं, ये क्लिप है यहाँ पर है, ये है, और इसको आप थपिया पर भी, जो थपी दुगुन की लगती है उस पर भी आप बजा सकते हैं। ऐसे बजा सकते हैं, इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं, बहुत से प्रकार से बजा सकते हैं। आप जैसे चाहे बजाएं, और बजाने का तरीका तो आपने देख लिया। आइए चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपको बता देते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। पहले खाने में I-20 की साउंड है एक ही बैंक, दूसरे खाने में L-12 की साउंड है एक ही बैंक, तीसरे खाने में B-47 का बेस है और A-15 की क्लिप है, दोनों बैंक है। चौथे खाने में I-20 की साउंड है और दूसरी बैंक में H-33 के घुंघरू है। इस बैंक और इस खाने में I-21 का जो खुला गत्ता होता है ढोलक का वो है, और इस खाने में IN-015 की क्लेप तबले की चांटी है और IN-039 की ढोलक की चांटी है। इस खाने में बेस है B-47 का और H-27 की चौक है छोटी वाली, और इस खाने में H-33 की छोटी H-33 के घुंघरू हैं और इसी में बड़ी H की चौक पड़ी है बड़ी वाली। और आइए देखते हैं अब बाइलूम, पहले का 127, दूसरे का 127, तीसरे का 127 दोनों बैंक है, चौथे का 127 दोनों बैंक है, पांचवें का 127, छठे का 127 दोनों बैंक है, सातवें का 127 दोनों बैंक है, आठवें का 127 दोनों बैंक है। पिच देख लेते हैं, पहले का 0 है, दूसरे का +7 है, तीसरे का दोनों बैंक है 0, चौथे का जो घीसा उसका 0 है, जो घुंघरू लगे उनका -10 है, और इस खाने का जो खुला गद्दा इसका -5 हमने रखा है। -5 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, आपको अगर ज्यादा डाउन लगे तो हम -2 ही रखें इसमें तो अच्छा रहेगा। और इसका ढोलक की चांटी है उसका 0, तबले की चांटी का -5 कर दें, और इसका 0, और इसका जो घुंघरू लगे हैं H-33 के छोटी H उसका -10 रखें पिच, बाकी चौक बड़ी जी को मतलब उसको 0 रखें। डी के देख लें, पहले का 80 है, दूसरे का 60 है, तीसरे का 80 है दोनों बैंक है, चौथे का जो घुंघरू लगे हैं उनका 50 है और जो घीसा है उसका 80 है और इसका 50 है, और इसमें ढोलक का 100 कर ले, तबले की चांटी का 50 कर दें, और इसमें दोनों बैंक के 80 कर दें, और इसका घुंघरुओं का 50 कर दें, और चौक का आप 80 कर दें, और इसमें कुछ कराए डिले नहीं है। अगर इसमें हमारे बताने के अनुसार समझ में ना आए कुछ तो हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। राम राम।